आपको सैनिटाइजिंग हैंड वॉश की फार्मूलेशन दूंगा ताकि आप इसको बनाएं और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहबाज कुरैशी। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि COVID-19 यानी कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो गवर्नमेंट्स और WHO ये सारे ही जो एहतियातें बता रहे हैं, पहली तो ये है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आपको बता रहे हैं कि अपने बार बार हाथ धोएं और मास्क पहनें। हाथ आप किसी भी साबुन से, किसी भी हैंड वॉश से आप साफ़ कर सकते हैं और ये इसको आप दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आज मैं आपको सैनिटाइजिंग हैंड वॉश की फार्मूलेशन दूंगा ताकि आप इसको बनाएं और लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाएं, ठीक है। अब इस फार्मूलेशन को मैंने बेस क्या किया, उसकी मैं आपको थोड़ा सा उसका बताना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में, स्किन केयर इंडस्ट्री में जो सबसे अच्छा सर्फेक्टेंट जिसको माना जाता है एफिकेसी के लिहाज से, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, इसकी क्लिनजिंग के लिहाज से, वो सोडियम लॉरल सल्फेट है, ठीक है। तो हम भी उस सर्फेक्टेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि वो फैट्स को बड़ी अच्छी तरीके से रिमूव करता है और डर्ट फैट्स वगैरह को। जबकि आपने ये, आपको भी पता है कि जो ये वायरस है, इसका जो आउटर शेल है, इसमें लिपिड्स हैं यानी इसमें फैट्स मौजूद हैं, तो ये सोडियम लॉरल सल्फेट इसको बड़े ही अच्छे तरीके से रिमूव करेगा। अब ये हार्श है, इसको हमने ऐसा बनाना है कि ये हाथों को भी ना इतना प्रॉब्लमेटिक हो हाथों के लिए, क्योंकि आपने 20 सेकंड के लिए धोना और बार बार धोना है, तो इसलिए हमने इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट डाले हैं, कुछ सूदिंग एजेंट हैं, कुछ सुपर रिफ्रेशनिंग एजेंट हैं, ज़्यादा मकदार में डाले हैं। और हमने दूसरा क्या किया है कि जो सर्फेक्टेंट है उसकी मकदार कम रखी है, मकदार इतनी हमने कम रखी है कि सर्फेक्टेंट जो से है आपको ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचाएँ और आपको इससे जर्म्स और ये वायरसेस वगैरह से हिफाजत भी आपकी करें और आपकी स्किन को भी इफ़ेक्ट ना करें। फॉर्मूलेशन नोट करें आप, सोडियम लॉरल सल्फेट हम यूज़ करेंगे, 1 किलो का बैच बता रहा हूँ, 3%, यानी 3% का मतलब 30 ग्राम। कोकोमिडो प्रोपाइल बिटेन, ये भी सर्फेक्टेंट है, एम्फोटेरिक है, तो ये हमने 5% यूज़ करना है, फोम बूस्टर है, इसलिए 5% यूज़ करेंगे। और ये 50 ग्राम होगा। PG75 लेनोलिन यानी सोलान ई के नाम से पाकिस्तान में आती है, ये आपने यूज़ करना है, सुपर फैटनिंग एजेंट, रिफैटनिंग एजेंट है, 2% यानी 20 ग्राम्स। EDTA आपने यूज़ करना है 0.1% यानी 1 ग्राम। वाटर आपने लेना है 20% यानी 200 ग्राम या ML। प्रिजर्वेटिव है मिथाइल पैराबिन सोडियम, ये आपने 2 ग्राम यानी 0.2%। प्रोपाइल पैराबिन सोडियम 0.3% यानी 3 ग्राम आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने ये सारी चीज़ें उसमें वेसल में ली और इसको आपने हीट करना है ताकि ये जो 70 PG 75 लेनोलिन और जितने सर्फेक्टेंट है ये मिक्स हो जाए और क्लियर आपके पास एक लिक्विड आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और बर्तन में जैंथिन गम और लेनी है 1.4%। ग्लिसरीन आपने लेनी है 8% यानी 80 ग्राम। टाइटेनियम डाइऑक्साइड 1% यानी 10 ग्राम्स। पानी आपने 54% यानी 540 ग्राम या ML लेना है। इसके अलावा एलोवेरा जूस आपने लेना है 3% यानी 30 ग्राम। अब आपने करना ये है कि जैंथेन को आपने ग्लिसरीन के अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ये स्लरी सी बन जाएगी। फिर आपने इसके अंदर टाइटेनियम डालना है और उसको स्लरी बनाना है, ये वाइट सी स्लरी बन जाएगी। फिर आपने इसको पानी में डाल देना है और इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है कि ये थिक जेल बन जाए। और उसके बाद आपने इसमें एलोवेरा जूस डाल देना है और फ्रेगरेंस वगैरह डाल देनी है। उसके बाद आपने जो पहले मैंने आपको फेस बताया है जिसमें सर्फेक्टेंट डाले हैं, उसको और इसको मिक्स कर देना और इसको बड़ी ही जेंटली आपने मिक्स करते जाना है कि ये थिक हो जाए। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताऊँ, मैंने टाइटेनियम इसलिए डलवाया है कि ये कमर्शियल ग्रेड फॉर्मूलेशन है, तो ये मिल्की कलर हम देंगे, कस्टमर को ज़्यादा, कंज्यूमर को ज़्यादा अपील करेगी ये। तो आपको जैंथिन टाइटेनियम हमने इसमें इसलिए ऐड करवाया। और आपने फूड ग्रेड यूज़ करना है जिसका मैश साइज़ बहुत ही बारीक हो, जो बहुत ही फाइन किस्म का हो। तो उम्मीद है ये फार्मूलेशन करेंगे तो कमर्शियली आप, ये बड़ी अच्छी फार्मूलेशन है, एक तो आप इंसानियत की भलाई भी करेंगे और दूसरा आप जायज़ तरीके से आप इसे अर्निंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको फार्मूलेशन अच्छी लगी होगी, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं लोगों से ताकि लोगों का फ़ायदा हो। शुक्रिया।